छोड़ अज्ञान के फंस रहा घेरे में, इसी तरह से ज्ञान छोड़ अज्ञान के फंस रहा घेरे में, सतरूपी मार्ग को छोड़ अज्ञान के फंस रहा घेरे में, हाँ सतरूपी मार्ग को छोड़ असत के बढ़ रहा झेरे में, नहीं मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू और तेरे में, जो नहीं मानी बात फर्क फिर क्या उल्लू और तेरे में, सच्चाई तज कपट राह पर, सच्चाई तज कपट राह पर पैर धरने ला गया क्यों, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने ला गया क्यों, मानव दानव बन कर अपना पेट भरने ला गया क्यों, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने ला गया क्यों। भेड़िए की आदत को छोड़, भेड़िया इतना क्रोधी और हिंसक होता है कि वो जब क्रोध में आता है तो अपने ही जाति प्रजाति के अपने ही साथियों को खा जाता है, तो वैसे ही मनुष्य भी कर रहा है और लिखने का प्रयास किया है क्या। अरे आदत छोड़ भेड़िए की हो, आदत छोड़ भेड़िए की इतना छल क्रोध करे मत ना, वो अपनी जिंस को खाए क्रोध अग्नि में वृथा जरे मत ना, वो अपनी जिंस को खाए क्रोध अग्नि में वृथा जरे मत ना, अपने भ्रात पड़ोसी की संपत्ति पे नीत धरे मत ना, सील सवर संतोष धार लालच के बीच पड़े मत ना हो, सील सवर संतोष धार लालच के बीच पड़े मत ना, अपने पर कर सवर गैर का, अपने पर कर सवर गैर का माल हरण ला गया क्यों, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने ला गया क्यों, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने ला गया क्यों। कहता है कुत्ते वाली आदत छोड़ दे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल कुत्ते आपस में प्यार से क्यों नहीं रहते, तो बीरबल ने कहा कि महाराज आपको देख लेना चाहिए। बीरबल अकबर को लेकर के एक ऐसी जगह पहुँचे और उन्होंने कहा कि एक कमरे में कुत्तों का एक समूह है बिठाइए,
एक कमरे में गाय, एक कमरे में भेड़िया, एक कमरे में बकरियों के झुंड को रख दीजिए। रख दिया और उनके सामने उनके अनुसार भोजन भी रखा गया। तो कुछ समय पश्चात जब गए राजा और बीरबल, जब देखा बकरियां आपस में खा पी करके एक दूसरे के ऊपर अपना सर रख करके आराम से सो रही हैं, वैसे गाय भी सो रही हैं, गधे बकरियां सभी सो रहे हैं। लेकिन जब कुत्तों के कमरे को खोल करके देखा तो जो कुत्ते थे ना तो किसी ने खाया और ना खाने दिया। इतना ही नहीं बल्कि एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर रखा था कि ना खाया ना खाने दिया। कुत्ते कभी आपस में प्यार से नहीं रहते। कई वीडियो वायरल होती है, आजकल मनुष्य इतना पशुवत जीवन जी रहा है कि खाने की जब पूड़ियाँ आती है तो पूड़ियों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कि लगता है कि मनुष्य है ही नहीं। हमारी संस्कृति में एक अदब था खाने का, बिठा के खिलाते थे, लेकिन आज जब सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया तो फिर वो अपनी तरीके से खाते हैं। पूड़ियाँ अगर ख़त्म हो जाती हैं तो जब आती है तो पूड़ियों पर बिल्कुल पशुओं की तरह टूट पड़ेंगे, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा तुम में और पशुओं में। तो समझाने का प्रयास किया है क्या? अरे कुत्ते वाली आदत हाँ, कुत्ते वाली चाल न छोड़ी तो तेरे खैर नहीं है। अपने भाइयों से करना तुझे अच्छा बैर नहीं है। अपने भाइयों से करना तुझे अच्छा, तो जैसा कर्म करने ला गया क्यों। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जब घर टूटा है तब तब पड़ोसी ने आकर लूटा है। जब जब हिंदू हिंदू का दुश्मन हो गया तब से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और हमें मुगलों ने अपना गुलाम बनाया। और ये हर जगह ये बात चरितार्थ होती है कि जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। और क्या बताया है, चिड़िया वाली आदत तूने हो, चिड़िया वाली आदत तूने अपना ली क्या बंदे। काम कितना में लीन रहे तू, काम छोड़ दे गंदे हो। काम कितना में लीन रहे तू, काम छोड़ दे गंदे। आजकल टीवी सीरियल भी ऐसे आ रखे हैं कि उनमें काम भावना को और बढ़ा तो दिया है, केवल उन्हें और कुछ सत्संग से कोई मतलब नहीं है। जब सत्संग की बात आती है तो इतना आलसी हो जाता है, लेकिन नाटक दिखा लो, फिल्में दिखा लो, कोई आलस नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बड़ा दुष्परिणाम दुष्प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए लिखने का प्रयास किया है कि यह मनुष्य तो चिड़िया वाली आदत छोड़ दे, क्योंकि चिड़िया बड़ी कामुक होती है। और आज यही देखने को मिलता है जिसके कारण छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने से भी ये इंसान परहेज नहीं करता। और लिखने का क्या, अरे चिड़िया वाली आदत तूने अपना ली क्या बंदे। काम कुत्ता में लीन रहे तू, काम छोड़ दे गंदे हो। काम कुत्ता में लीन रहे तू, काम छोड़ दे गंदे। सबसे ज्यादा ये दुश्मन तेरा सोच अकल के अंधे। जिससे हो कल्याण जगत में करना ऐसे धंधे हो। जिससे हो कल्याण जगत में करना ऐसे धंधे। निर्मल नीर को छोड़ के तू हाँ, निर्मल नीर को छोड़ के, निर्मल
निर्मल नीर छोड़ की चढ़ मैं, निर्मल नीर छोड़ की चढ़ मैं, पैर धरन लाग गया क्या, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करन लाग गया क्या, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करन लाग गया क्या। फस्या दल दल में तो चोट चलाया करती हो, कोई पशु फस्या दल दल में तो चोट चलाया करती। भ्रष्टाचारी को दुनिया सब बुरा बताया करती, परोपकारी को लख जनता खुशी मनाया करती हो, परोपकारी को लख जनता खुशी मनाया करती। कह धनी राम बेधड़क सच्चाई से, धनी राम बेधड़क सच्चाई से, दुष्ट डरन लाग गया क्या, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने लाग गया क्या। मानव दानव बन कर अपना, मानव दानव बन कर अपना, पेट भरने लाग गया क्या, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने लाग गया क्या, पक्षी और जानवरों जैसा कर्म करने लाग गया क्या।